हेलो हेलो एवरीवन, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू एकता की पाठशाला। एकता की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम हिमाचल प्रदेश के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी परिवहन हिमाचल प्रदेश का, राइट? तो परिवहन में सबसे पहले हम रोड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश पढ़ेंगे कि हिमाचल प्रदेश में सड़कों का विकास किस तरह से हुआ है। ठीक, किसी भी क्षेत्र के यानी किसी भी रीजन के सामाजिक और आर्थिक यानी सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वहां का परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन यानी संचार का बहुत अच्छे से होना बहुत जरूरी है टू हमारे सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, राइट? तो हम हिमाचल प्रदेश के रोड ट्रांसपोर्टेशन को आज कम्प्लीटली करेंगे कवर। और साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे साथ बने रहिए, हम हिमाचल प्रदेश के जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, अब तो हिमाचल प्रदेश में जो है राज्य चयन आयोग बन गया है, राइट? तो राज्य चयन आयोग ने जो है एग्जाम कंडक्ट करवाने हैं, तो हिमाचल प्रदेश के जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होने वाले हैं आने वाले, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे साथ इन वीडियोस में बने रहिए और हिमाचल प्रदेश के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की साथ में तैयारी करते हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। सड़क परिवहन हिमाचल प्रदेश का पढ़ने से पहले हमें पूरे भारतवर्ष के पहले रोड के बारे में पता होना चाहिए। पहला रोड बनाया था शेरशाह सूरी ने, ठीक है? किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने बनाया था, जिसे कहते थे उस वक्त शाही राजमार्ग। क्या कहते थे? शाही राजमार्ग, राइट? और आज के टाइम में इसे कहा जाता है ग्रैंड ट्रंक रोड। क्या कहते हैं? राइट, हिमाचल प्रदेश यानी या फिर हमारे पूरे भारतवर्ष के जो नेशनल हाईवेज हैं उनके नाम बदल दिए गए हैं। तो अभी भी अगर कुछ किताबों में आपको पुरानी तरह के नेशनल हाईवेज मिलते हैं, नाम मिलते हैं, तो उन्हें अपडेट कर लीजिएगा नई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, राइट? मैंने जो है रोड ट्रांसपोर्टेशन भी करवाया हुआ है, ठीक? जीएमटी, अब आज की डेट में प्रेजेंटली यहाँ कौन कौन से नेशनल हाईवे हैं जिन्हें मिलकर ये बना है? नेशनल हाईवे 44, पहले 1 और 2 होता था, ठीक है? अब नेशनल हाईवे 44 और नेशनल हाईवे नंबर 19, ठीक है? आपके लिए होमवर्क है ये जो जीएमटी है, ग्रैंड ट्रंक रोड है, ये कहां से कहां तक है, ये आपके लिए होमवर्क है, राइट? हमने पूरे भारतवर्ष के पहले रोड के बारे में पढ़ लिया है। अब आ जाइए हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1948 में हुआ था। 1948 में हिमाचल प्रदेश में कितने किलोमीटर लंबी सड़कें थी, राइट? तो 1948 में जो है हिमाचल प्रदेश में जो है 288 किलोमीटर सड़कें थी, राइट? इसे नोट कर लीजिएगा, कई बार इस तरह के जो है जनरल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक? तो 1948 में हिमाचल प्रदेश में कुल सड़कों की लेंथ थी 288 किलोमीटर, राइट? और प्रेजेंटली इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का जो आया है इस बार, उसमें जो है प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश की सड़कों की लेंथ कितनी है, ठीक? तो प्रेजेंटली यानी इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में सड़कों की लेंथ है 41,084 किलोमीटर, ठीक? इसे भी नोट कर लीजिएगा, इस तरह के जनरल क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, राइट? फिर आते हैं हिमाचल प्रदेश में जो है पूरे भारतवर्ष में जो सड़कें हैं उन्हें 4 भागों में यानी 4 टाइप्स में डिवाइड किया है, तो वो किस योजना के अनुसार किया था? नागपुर योजना आई थी सन 1954-55 में, 1954-55 में आई थी, जिसके अकॉर्डिंग पूरे भारतवर्ष में जो सड़कें थी उन्हें 4 भागों में विभाजित किया गया था, नेशनल हाईवे, राइट? 4 भाग कौन कौन से हैं उन्हें आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं इनकी लेंथ भी जो है हिमाचल प्रदेश की लिखवाऊंगी, राइट? सबसे पहला आता है नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग, राइट? हिमाचल प्रदेश में जो नेशनल हाईवेज हैं उनकी कितने किलोमीटर लेंथ है, तो आप नोट कर लीजिए 2606 किलोमीटर। टोटल 2606 किलोमीटर जो है नेशनल हाईवेज की लेंथ है हिमाचल प्रदेश में। और कितने नेशनल हाईवे हैं, तो हिमाचल प्रदेश में 19 नेशनल हाईवेज हैं, ठीक है? फिर आते हैं सेकेंड टाइप में, सेकेंड आता है स्टेट हाईवेज,
यानी राजकीय राजमार्ग। राइट, तो स्टेट हाईवेज कितने हैं हिमाचल प्रदेश में? स्टेट हाईवेज भी 19 ही हैं। राइट, राज्य राजमार्ग भी इसे कह सकते हैं। राज्य हिमाचल प्रदेश में 19 हैं, जिनकी टोटल लेंथ कितनी है? हिमाचल प्रदेश की टोटल लेंथ है 1625 किलोमीटर। स्टेट हाईवेज हैं, राज्य राजमार्ग हैं हिमाचल प्रदेश के। राइट, रिमेनिंग होता है हमारा थर्ड नंबर का, आता है डिस्ट्रिक्ट रोड यानी जिला रोड और हमारी ग्रामीण सड़कें। फोर्थ नंबर का आ गया हमारे विलेज रोड्स, या इन्हें रूरल रोड्स भी कहते हैं। राइट, तो रिमेनिंग जो 41,000 में से 2600 जो है नेशनल हाईवे हैं, 1625 किलोमीटर जो है हमारे राज्य राजमार्ग हैं, बाकी रिमेनिंग हमारे जिला रोड है और रूरल रोड है यानी विलेज रोड्स है। राइट, ये क्लियर हो गया आपको। अब हिमाचल प्रदेश में जो है कितनी डेंसिटी है पर 1000 किलोमीटर पर, इस तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो 47.65% जो है डेंसिटी है हमारे नेशनल हाईवेज की, रोड की पर 1000 किलोमीटर। ठीक है, रोड की डेंसिटी है ये। ठीक है, पर 1000 किलोमीटर पर जो है हमारे 47.65% जो है रोड्स हैं। ठीक है, इतनी ज्यादा डेंसिटी है हमारे रोड्स की हिमाचल प्रदेश में। ठीक, अब हिमाचल प्रदेश के जो हमारा विभाग है, रोड ट्रांसपोर्टेड कॉर्पोरेशन, हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, उसकी स्थापना कब हुई थी उसे देख लेते हैं। पहले रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन हिमाचल प्रदेश का अपना, उससे पहले आप जानिए कि 1958 हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 1948 में। 1958 में मंडी कुल्लू परिवहन निगम बनाया गया था। ठीक है, क्या बनाया गया था? मंडी कुल्लू परिवहन निगम। राइट, और ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश का कंबाइंडली बनाया गया था। ठीक है, पंजाब प्लस हिमाचल प्रदेश दोनों राज्यों का ये कंबाइंड बनाया गया था, मंडी कुल्लू परिवहन निगम। फिर आते हैं 1974 में। ठीक है, मैंने किसी क्लास में भी बताया था कि 1974 में है जो है हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई थी। तो कितने तारीख को? 2 अक्टूबर 1974 को जो है हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई थी। ठीक, अब ये जो रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है ये कौन कौन से राज्यों में अपनी बसें यानी सेवाएं देता है? तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तक यहाँ की बसें जाती हैं, यूपी तक, यूपी के बाद राजस्थान तक, राजस्थान के बाद J&K, हरियाणा, हरियाणा के बाद दिल्ली। इतने क्षेत्रों में जो है हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्टेशन जो है अपनी सेवाएं देता है, इतने राज्यों में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और दिल्ली। राइट, फिर आते हैं हिमाचल प्रदेश के हिंदुस्तान तिब्बत रोड। ठीक है, ये NH5 नेशनल हाईवे नंबर 5 हिंदुस्तान तिब्बत रोड। ठीक है, कहां से कहां तक है? फिरोजपुर पंजाब से लेके किन्नौर के शिवकिला तक। जो है ये रोड है NH5 हिंदुस्तान तिब्बत रोड जिसे कहा जाता है। तो ये कब बना था? सन 1850 में इसका काम शुरू हुआ था। ठीक है, 1850 में जो है इसे बनाया गया था, हिंदुस्तान तिब्बत रोड को। ठीक, उसके बाद एक और चीज बड़ी हाईलाइट हुई है, ब्यास नदी त्रासदी में हमारा विक्ट्री ब्रिज। ठीक है, यानी विक्टोरिया ब्रिज है, कहां पर? मंडी में, विक्टोरिया ब्रिज, विक्टोरिया पुल। कौन सी नदी के ऊपर है ये? तो ब्यास पर है, ब्यास पर है। कहां पर है? डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। कब ये बना था? तो ये बना था 1877 को।
1877 ईस्वी में जो है विक्टोरिया ब्रिज यानी विक्टोरिया पुल का निर्माण हुआ था ब्यास नदी पर मंडी डिस्ट्रिक्ट में। राइट, क्लियर हो गया। अब एक और पुल आपने साथ में नोट करना है, 1920 में ये बना था कांगड़ा में, ये है, नाम है इसका बाथू पुल, ठीक है, कांगड़ा में है ये। ठीक, विक्टोरिया ब्रिज के बाद आपके लिए मैं एक होमवर्क देती हूँ, विक्ट्री टनल, विक्टोरिया की तरह नाम दिखने वाला है एक विक्ट्री टनल। विक्ट्री टनल कहां पर है तो ये मैं बता देती हूँ, शिमला में है। राइट, शिमला में है, अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई है। बस आपके लिए होमवर्क क्या है, आपने ये पता करना है कि अंग्रेजों ने कौन से युद्ध की जीत पर जो है ये विक्ट्री टनल बनाई थी। राइट, ये आपके लिए होमवर्क है कि कब और कौन से युद्ध की जीत पर जो है अंग्रेजों ने ये टनल बनाई थी, विक्ट्री टनल, जो कि शिमला में है। राइट, तो हमने जो है रोड ट्रांसपोर्टेशन इन हिमाचल प्रदेश को कवर कर लिया है। राइट, हिमाचल प्रदेश का सड़क परिवहन हमने कवर कर लिया है। प्रदेश में आई थी परिवहन नीति कब आई थी, सन 2014 में आई थी, ये भी नोट रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जैसे ग्रीन कार्ड, सिल्वर कार्ड, जो हमारे दिव्यांग होते हैं उनके लिए फ्री हमारा परिवहन होता है, निःशुल्क यात्रा वो कर सकते हैं। फिर शौर्य चक्र विजेता, जिन्होंने जो है शौर्य चक्र जीता होता है, वो भी जो है हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसेज में जो है फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। राइट, तो रोड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश हमने कवर कर लिया है। होप आपको ये क्लास और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। चलिए, आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप आपको ट्रांसपोर्टेशन क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में परिवहन की डेवलपमेंट हुई है। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश के लिए भी, हिमाचल प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दूसरों तक इन वीडियोस को जरूर जरूर पहुंचाइएगा ताकि दूसरों को भी जो है हेल्प हो सके, मुझे भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।